है कि मैं तो कई महीने बाद पूरी आया हूँ और कार में बैठे बैठे ही हमने कहा कुछ नया निर्माण हो रहा है मंदिर के वो चारों ओर। कार में बैठे बैठे मैंने देखा, किसी से जानकारी नहीं ली। धार्मिक राजधानी है पूरी, किसी राजा ने पुरी पर शासन नहीं किया। या उड़ीसा का इतिहास, शंकराचार्य का यह मठ है, ये भी इतिहास है। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उनके प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य महाभाग की गद्दी है। यह धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी है। शुक्र नीति नामक एक ग्रंथ है, शुक्र नीति। संस्कृत टीका भी है, हिंदी अनुवाद सहित चौखंबा वाराणसी से प्रकाशित है। पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ पूरी में भी वह सुलभ है। मंदिर के चारों ओर कैसा परिवेश होना चाहिए, सब वर्णन है शुक्र नीति में। आजकल के जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं उनको भी चाहिए कि मंदिर के बारे में वो जानकारी प्राप्त करें उस ग्रंथ का अध्ययन करके। यहाँ हवाई अड्डा बनने वाला था आसपास, मैंने मुख खोला तो यहाँ के व्यक्तियों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि शंकराचार्य विकास पसंद नहीं करते। मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर मुँह खोला था। परिस्थिति है कि यहाँ के व्यक्तियों का स्तर तो इस योग्य हो कि हम जो बोलते हैं उसको सुन सकें, समझ सकें, उसकी दूरदर्शिता पर ध्यान दे सकें। मैंने कई साल पहले पूरी विकास के नाम पर कहाँ पहुँचा दी जाएगी ये अपना भाव व्यक्त किया था। तपस्थली होती है उसको भोग की स्थली और पर्यटन का केंद्र बना देना शासन तंत्र का व्यामोह होता है। विकास को लेकर जो बात चल रही है, शिव मंदिर पर जो नव निर्माण का कार्य चल रहा है उसका बुरा प्रभाव न पड़े, यही ना आपका प्रश्न। तो जो प्रामाणिक आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, विशेषज्ञ हैं, किसी दल के पक्षधर न होकर सत्य के पक्षधर हैं, उन सबों से परामर्श लेकर मार्गदर्शन लेकर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए था। यहाँ आने पर जो मुझे जानकारी अब तक प्राप्त हुई वह यह हुई कि आर्किटेक्ट जितने हैं उनका कहना है जो हो रहा है उससे मंदिर पर आघात अवश्य पड़ेगा, क्षतिग्रस्त मंदिर अवश्य होगा। अगर ऐसी बात है तो उचित काम हो रहा है। दूसरी बात है कि मंदिर के चारों ओर ऐसे भवन हो कि मंदिर की शोभा ही ढक जाए, वो भी उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा शुक्र नीति में देवस्थान कि चारों ओर कैसा परिवेश वातावरण होना चाहिए, कितना रिक्त स्थान होना चाहिए, कहाँ बाग होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, विस्तार पूर्वक वर्णन एक बार आप भी पढ़ लेना शुक्र नीति। उसको समझ करके ही आर्किटेक्ट इंजीनियर का भी काम है। देवस्थान को लेकर जो हमारे शास्त्र में दिशा दी गई है उसका अध्ययन करके अनुशीलन करके ही काम होना चाहिए। और शासन तंत्र बहुत चतुर है यहाँ का, सावन भाद में मैं यहाँ रहता हूँ, उस समय कोई कदम नहीं उठाता। जब मैं यात्रा पर होता हूँ तभी इस प्रकार का कदम शासन तंत्र उठाता है, क्योंकि मैं तो पूरी में आऊँगा, छानबीन करूँगा, वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करूँगा, तब मुँह खोलूँगा। शासन तंत्र चतुराई का परिचय देता है। जब मैं बाहर होता हूँ तो इस प्रकार का विकास के नाम पर कदम उठाता है। किसी भी तरह मंदिर के बनावट पर भविष्य में भी वर्तमान में भी आघात न पहुँचे और मंदिर ढक न जाए, उसके चारों ओर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मंदिर दूर से दिखाई ना पड़े। क्या मैंने कहा आगे गुरु जी, एक ही बात है कि जब विकास का काम हो रहे थे इस टाइम आपको पूछताछ किया है शासन तंत्र ने?
कुछ नहीं, स्वप्न में भी नहीं, हमसे पूछताछ कभी नहीं किया इस संबंध कुछ नहीं। क्यों आपका जब अनुपस्थित थे इस टाइम प्रशासन क्यों काम कर रहे थे? ये उनसे पूछिए, उनसे पूछिए ना कि शंकराचार्य जो हैं शासन तंत्र को मालूम है, शंकराचार्य जो है विवेकपूर्वक मुँह खोलेंगे, जब उनको सारी स्थिति का ज्ञान होगा तब तो मुँह खोलेंगे, तो बाहर हम होते हैं तो शासन तंत्र को अवसर मिल जाता है, इस समय मुँह खोलेंगे नहीं, हमको जो करना है कर दें। एक बात है कि आप आज आप खुद आप जाके दिखाए, अब क्या मंदिर असुरक्षित रह गया जो काम के वजह से? ऐसा है ना कि इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं आर्किटेक्ट, वो भी मेरे सामने आवे, आप भी हों, क्योंकि आप पत्रकार ये सब बाद के हैं, पहले आप पूरी के नागरिक हैं, देवस्थान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, पहले आप ही हैं, पत्रकारिता तो जीविका है आपकी, हमने संकेत कि आप भी हों, विशेषज्ञ लोग भी हों, उनकी बात हम सुने। आर्किटेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं इंजीनियर, एक वो होते हैं जिनको मंदिर के बारे में कुछ जानकारी नहीं, इसलिए मैंने कहा आर्किटेक्ट भी मेरे पास तब आवें, इंजीनियर तब आवें, शुक्र नीति में मंदिर के चतुर्दिक कैसा परिवेश वातावरण होना चाहिए विस्तार पूर्वक वर्णन है, यहाँ से भी वो पुस्तक प्राप्त है, हमारे यहाँ भी तो है ये दुकान में, संस्कृत की पुस्तक जो बेचने वाले हैं शुक्र नीति में, देवस्थान का स्वरूप क्या हो, चारों ओर कैसा परिवेश हो, सब वर्णन है, उसको यहाँ के आर्किटेक्ट पढ़ के आवें, मंदिर संबंधी उनको जानकारी नहीं होती आधुनिक आर्किटेक्ट को, देवस्थान संबंधी जितनी सामग्री है एक चैप्टर में एक अध्याय मिल जाएगा मेरे पास, वो लोग अपना भाव व्यक्त करें फिर मैं भी करूं, अभी तो यही है, मैं तो दो बात कहता हूं, एक मंदिर पर भविष्य में या इसी समय से कोई आघात न पहुंचे, क्षतिग्रस्त न मंदिर हो, मंदिर की नींव पर मंदिर पर प्रभाव न डाले, दूसरी बात मंदिर ढक ना जाए, चारों अगर तीन तीन चार चार मंजिल के भवन बनने लगेंगे तो मंदिर की शोभा ढक जाएगी, इसलिए मंदिर के चतुर्दिक जैसा बाग मैंने बगीचा हो खाली जगह हो इन सब को ध्यान में रखकर ही विकास के नाम पर कोई कदम होना चाहिए, और उसमें धार्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र का तो न्यायाधीश में हूँ, शंकराचार्य होते हैं, केवल पूरी का ही नहीं, कम से कम एक बटा चार विश्व का, एक बटा चार विश्व का, भारत का तो ही नेपाल का भी, तो कम से कम धार्मिक आध्यात्मिक नगरी है और यह पूरी पीठ की राजधानी है, यहाँ किसी राजा की राजधानी पूरी नहीं रही है, पूरी पीठ के शंकराचार्य की राजधानी, इसका मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में है, तो हमसे परामर्श लिए बिना, मार्गदर्शन लिए बिना, योजना को प्रस्तुत किए बिना इस प्रकार का जो काम हुआ है उचित नहीं है, अनुचित है और अदूरदर्शितापूर्ण है, इससे ज़्यादा क्या कहें। गुरुजी जो मुरारी पाड़ी ने 2019 में 18 में केस किया था श्री मंदिर संस्कारक के बारे में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि सब काम ऐसे ही करना है, टॉयलेट वगैरह करना है और पवेलियन करना है, वेटिंग हॉल करना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक हो रहा है, तो हो रहा है ये तो हमें नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार हो रहा है या नहीं, पहली बात यह है आप कह रहे हैं ना उनके वकील होके, दूसरी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर ही जब केस गया था सुप्रीम कोर्ट, मैंने तो केस दायर नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था सेकुलर शासन तंत्र और संविधान को न्यायालय को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं बनता। जी अभी इस काम के बारे में यदि जानना चाहिए तो एस है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी तक भी NOC नहीं दिया है, उनका खिलाफ से काम हो रहा है, खिलाफ से काम हो रहा है तो कदम उठावे, जब उनको मालूम है कौन कदम उठाएगा, जनता तो मौन है, मैंने कोई ऐसी समस्या है जो संभावित आगे क्या होगी समस्या 10 साल बाद क्या हो, एयरडम को लेकर मुँह खोला था ना, उस समय कहा गया था शंकराचार्य विकास नहीं चाहते, मेरे पूर्व प्रवचनों को लें, कितने साल पहले हमने मंदिर को लेकर चेतावनी दी थी, तीन वर्ष पहले ही, जो आप आज आए हैं मेरे पास मैंने 3 साल पहले वक्तव्य दिया था, अच्छा एयरोडम के बारे में मैंने कहा था, कुछ व्यक्तियों ने कहा कि शंकराचार्य विकास के पक्षधर नहीं है, हवाई अड्डा बनने पर नई कॉलोनी भी बनेगी, जमीन तो छेकी जाएगी ही,
कई एकड़ नई कॉलोनी बनेगी, उसमें आतंकवादी भी बहिर्मुख व्यक्ति भी तीर्थों की शोभा को मर्यादा को नष्ट करने वाले भी बसेंगे। आगे चलकर श्री मंदिर जो पहले से आतंकवादियों के हिट लिस्ट में है, आज से नहीं मुझे 27 वर्ष पहले से मालूम है, पूरी सूची मेरे पास कहीं है, अखबार में छपा था जम्मू में, कौन कौन से मंदिर भारत के उग्रवादी आतंकवादियों के हिट लिस्ट में है, उसमें पूरी मंदिर भी है। ऐसी स्थिति में सब खतरे का ज्ञान होने पर भी सरकार जो कदम सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, किसके द्वारा? गुरु जी एक बात है कि गजपति महाराज ने बोला है कि मंदिर पूरा सुरक्षित है इस काम को होने के लिए। गजपति जी और हमको लड़ाने का प्रयास मत कीजिए, गजपति जी अपने स्थान पर है, मैं शंकराचार्य अपने स्थान पर, समझिए आपका काम लड़ाना नहीं है। गजपति जी ने जो कहा उनकी बात उन तक रहने दीजिए, आप हमारे सामने बैठे हैं। अभी आप आया कि प्रशासन ने कप्पा भूमि को भोगभूमि बना दिया है मंदिर का, पर्यटन का केंद्र, शासन तंत्र का यही व्यसन होता है, सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ होता है तपोभूमि को भोग भूमि बना देना, पर्यटन का केंद्र बना देना, अपनी जीविका का लूटने का केंद्र बना देना, शासन तंत्र का सब जगह यही व्यामोह होता है, समझ गए? तपोभूमि को भोग भूमि बना देना, जनता भी सोचते हो कष्ट नहीं होगा, बस क्या हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से झट से पहुँच जाएंगे, तपोभूमि को भोग भूमि बना देना, समझ गए? मैं एक संकेत करता हूँ, इतना उदाहरण बहुत बढ़िया, दिल्ली का नाम है निगम बोध, वहाँ यमुना तट पर आज भी घाट है निगम बोध घाट, निगम बोध माने ब्रह्मा जी को सबसे पहले वेद वेदांतों का जो स्फुरन हुआ, तेने ब्रह्म हृदय आदि का वह मुह्यंती सूर्य, निगम बोध तीर्थ है। लेकिन आज अगर आप ही आस्तिक होने पर भी, पुरी के निवासी होने पर भी दिल्ली की यात्रा करो, सुनो जी, दिल्ली की यात्रा करो, आप कहोगे तीर्थ यात्रा में गया था, कहाँ गए थे? दिल्ली। आपके घर वाले भी हंस जाएंगे, साथी भी हंस जाएंगे, दिल्ली कोई तीर्थ है? जो दिल्ली इतनी बड़ी तीर्थस्थली थी कि उसके लिए निगम बोध है, निगम बोध घाट आज भी है यमुना तट पर, बहुत ऊंची तीर्थस्थली है पूरी, वहाँ आप जाओगे तो लोग हंस देंगे, तीर्थ यात्रा कहाँ गए, तो आप तो दिल्ली सैर करने गए थे। इसी प्रकार से मान लो पुरी को भी विकास के नाम पर उस कगार तक पहुंचा दें जहां पर लोग हंसी करें कि तीर्थ कहाँ है। इसलिए देवस्थान की सुरक्षा के लिए मंदिर की शोभा ढके नहीं, और दूसरी बात है मंदिर सुरक्षित रहे, दोनों बातें, चारों दूर से भी चारों ओर दिखाई पड़े कि मंदिर है, मंदिर को ढकने वाली कोई सामग्री ना हो, कोई योजना ना हो, कोई मकान इत्यादि 3-4 मंजिल का ना हो, पहली बात यह है। दूसरी बात है मंदिर पर इस समय या भविष्य में 50 वर्ष आगे भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, ताकि मंदिर क्षतिग्रस्त ना हो, मरम्मत होती रहनी चाहिए, आपको नहीं मालूम है? और एक सज्जन थे, वो चल भी बसे, मंदिर तो टूटने की स्थिति में था, मैंने ही सबसे पहले कहा था, हाँ तो कहाँ आंध्र आदि से आर्किटेक्ट मंगा करके मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ सारा मेरे कहने पर हुआ, 25-26 साल पहले, वो प्रतिहारी थे ना एक, हाँ क्या नाम था, रविंद्र प्रतिहारी को मालूम है, मैंने ही आवाज उठाई थी कि मंदिर जीर्णशीर्ण होने वाला है, मंदिर को पहले मंदिर की मजबूती को देखें, मेरे कहने पर यहाँ तक हुआ कि आर्किटेक्ट विशेषज्ञ बुलाए गए, विशेषज्ञों की टीम ने कहा कि सचमुच में शंकराचार्य ने कहा है उस ढंग से मंदिर को खतरा है। उस समय लाखों रुपये नहीं करोड़ों रुपये लगा करके मंदिर को मरम्मत किया गया था मेरे कहने पर, समझ गए? लेकिन गुरु जी आज का दिन में क्यों आपको पूछताछ नहीं किया है प्रशासन ने? अरे मुझसे पूछिए, आप भी हमसे न पूछते तो हम क्या करते, पूछताछ न करना, उनको डर है शंकराचार्य हस्तक्षेप करेंगे तो उनके विरुद्ध हम कुछ कहा आज पाँव चला नहीं सकते। जब राज्य सरकार को क्या बताना चाहिए आज, क्या संदेश देंगे इस काम के बारे में, क्या सरकार को क्या संदेश देंगे आप, आपका धर्म गुरु जो मैंने दिया वही दे दिया, देंगे क्या? हम तो कह रहे हैं धार्मिक राजधानी पूरी है, शंकराचार्य जो है न शासकों के शासक होते हैं, किसी राजा की राजधानी पूरी नहीं रही है, यह शंकराचार्य की राजधानी है,
यहाँ कोई भी इस प्रकार का कदम हो तो हमसे पूछना चाहिए, और हम आँख मूंद करके कोई निर्णय लेने वाले नहीं हैं, विशेषज्ञों से परामर्श लेकर उनकी बात को सुनकर ही निर्णय लेने वाले हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं कि सरकार का आँख मूंद के विरोध करें या आँख मूंद के समर्थन करें, ना हम समर्थन करने वाले न विरोध। हम विवेक का समादर करके मुँह खोलते हैं। शासन तंत्र ने त्वरा का जल्दी का परिचय दिया है, मेरी अनुपस्थिति में इस प्रकार का कदम इसलिए उठाया कि बन ही जाएगा तो शंकराचार्य का तोड़वाने आएंगे, उससे ज्यादा क्या बोल, हो गया ना।